सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा खुलासा कुरान मजीद का 26वां पारा है। बस अगरचे रात तो 27वीं है, लेकिन कल कुछ ऐसी मसरूफियत रही कि कल 26वां पारा हम नहीं कर पाए, तो एक तरतीब से हम चल रहे हैं, तो आज हमने सोचा कि 26वें पारे को ही कर लिया जाए। तो 26वां पारा जो है वो उसका आगाज़ सूरह अहकाफ से होता है। वो सूरतें जो कि हामीम से शुरू होती हैं, ये उस सिलसिले की आखिरी सूरत है। तो हमने कहा था कि ये 7 सूरतें हैं जो कि हामीम से शुरू होती हैं, और इन सूरतों का मरकज़ी मजमून, सेंट्रल आइडिया जो है, वो मरकज़ी ख्याल वो तौहीद का मजमून है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सूरह आकाफ के शुरू होते ही तौहीद का मजमून जो है उसका आगाज़ हो जाता है, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये फरमा रहे हैं कि उससे बढ़ के कौन गुमराह हो सकता है कि जो उसको पुकारता है, जो उससे दुआएं करता है, अल्लाह को छोड़ के उससे दुआएं कर रहा है, बल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो क़्यामत तक उसको जवाब ही नहीं दे सकता, उसकी दुआ को सुन ही नहीं सकता, बल्कि वहु मन दुआएं गाफिलुन, वो तो उसकी दुआ से गाफिल हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि वो उनसे दुआएं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ज़ाहरी बात है कि वो बेसिकली इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मुशरिकीन मक्का जो है वो बुतों से दुआएं नहीं करते थे, बल्कि बुतों के पीछे जो पर्सनैलिटीज़ थी उनसे दुआएं करते थे। तो कुरान भी जब खिताब करता है ना, मतलब मुशरिकीन मक्का के अकायद का रद्द करता है, तो वो बुतों को एक जिंदा शख्सियत की तरह लेता है, जिंदा शख्सियत की तरह। उसकी वजह यही है कि वो पीछे जो है उनका जो तसव्वुर था, असल में उस तसव्वुर का रद्द करना मकसूद था कि उनके जो अउलिया हैं, जिनके नामों पे उन्होंने बुत बना लिए हैं, या फरिश्तों के नामों पे उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे के बुत बना लिए थे, तो उसका कुरान ने रद्द किया। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल कह रहे हैं कि जब क़यामत वाले दिन ये लोग जमा होंगे, तो वो जिनकी ये इबादत करते थे वो उनके दुश्मन हो जाएंगे, कानू लहुम आदा, और बल्कि वो इनकी इबादत का इनकार करेंगे, इनकी परस्तिश का इनकार करेंगे। तो ये लोग जो है वो कैसे, अब इबादत से मुराद यहाँ पे दुआ है ना, कुरान ने दुआ को असल में इबादत शुमार किया है, बात दुआ से शुरू हुई है और इबादत पे ख़त्म हुई है, क्योंकि असल जो है वो इबादत वो तो दुआ ही है। दुआ मुखुल इबादत, दुआ जो है वो इबादत का मगज़ है, दुआ वल इबादत, दुआ ही तो इबादत है। इसके बाद अगले रुकू में वही कुरान मजीद का के अहकामात में से एक हुक्म कि वालदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और ये हुक्म भी कुरान मजीद में 4 मरतबा आया। हम देखते हैं कुरान मजीद में रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, आम किताबों में तो रेपिटेशन जो है वो नापसंदीदा समझी जाती है, क्योंकि आम किताबों का असल मकसद क्या है, इंफॉर्मेशन पास करना, ठीक है, मालूमात में इजाफा करना, और कारी पढ़ता भी उनको इसीलिए, जबकि कुरान मजीद तो जो है इसका असल ऑब्जेक्टिव जो है वो कोई मालूमात नहीं देना। वो मालूमात तो देखें ना, जो ओरिएंटलिस्ट हैं, जो मुस्तशरिक हैं, यहूदी ईसाई हैं, जो कुरान का मुताला करते हैं, उनको बड़ी मालूमात हासिल हो जाती है। कुरान का असल मकसद है इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली ले के आना, और तब्दीली तभी आती है जब वो अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल करे। तो इसलिए कुरान मजीद में बार बार, मतलब ये तकरार, ये जो तकरार और रेपिटेशन है, इसका एक मकसद ये भी है कि इंसान जो है वो कुरान के साथ जुड़े, और उसका सही मानों में कुरान के साथ ताल्लुक बने, और कुरान जिन चीज़ों को रिपीट कर रहा है उसकी अहमियत उसके अंदर बैठे, उजागर हो, और वो उन पे अमल पे आमादा हो। इंसान का मामला यही है ना कि एक चीज़ उसको बार बार कही जाए तभी वो उस पे अमल करता है। जैसे वालदैन बाज़ूकात बच्चों को एक बार कहते हैं, नहीं समझ आती, 2 बार थे, फिर वो बार बार दोहराते हैं, फिर बच्चे के एटीट्यूड में तब्दीली भी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ जो है ना, इसको मद्देनजर रखना चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए कि मतलब कि जी कुरान मजीद में ये बार बार क्यों आयात आ रही हैं, वही अहकाम अल्लाह ताला एक ही मरतबा दे देता है। भाई कुरान मजीद कोई मालूमात थोड़ी जो है वो देना चाहता है, कुरान मजीद चाहता है तुम्हारी ज़िंदगी में तब्दीली आए, और तब्दीली इसी तरह से आती है, तस्कीर है, ये तस्कीर का एक अंदाज़ है कि बार 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 दोहरानी पड़ती है, वक्फे वक्फे से बतलाना पड़ता है कि भाई इसकी अहमियत है, इसको करो। तो वालदैन के साथ हुस्न सुलूक का अल्लाह ताला ने जो है वो हमें हुक्म दिया है। तो इंसान की जो माँ है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा है कि वो मुशक्क़त उठा के बच्चे को अपने पेट में जो है वो रखती है, यानी हमल, अब बोझ तो है, बच्चे का बोझ तो है, फिर माँ का खून भी चूसता है। वह वजह तो कुरहम व हमलु व फिसालु 30 शहरा, फिर उसको जब जनती है, पैदा करती है, फिर भी मुशक्क़त उठाती है, पैदाइश की मुशक्क़त भी है, प्रेगनेंसी की अलहदा से है, और
पैदाइश की अलहदा से है, फिर उसके बाद जो उसको दूध पिला रही है अपनी एनर्जी जो है वो उसको दे रही है, ये अलहदा से है। तो ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल कह रहे हैं कि ये मुशक्कत दर मुशक्कत है जो कि ख़ास तौर पे माँ उठाती है। तो जब इंसान बड़ा हो जाए तो उसे चाहिए कि फिर अपनी माँ का करे और अपने वालदैन का भी करे। माँ ये वाली मुशक्कत उठाती है तो बाप उसके लिए क्या करता है, मतलब दिन रात मेहनत करता है, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी, उसकी बेसिक नीड, उसका खाना पीना और मतलब उसकी एजुकेशन, उसकी तालीम, उसके उसका कपड़ा जूता, ये सब चीज़ें जो है, और उसकी जो है वो मेडिकल, उसकी सेहत, ये सारी चीज़ें जो है वो बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, बाप उसको पूरा करता है। तो हर एक का अपना रोल है माँ बाप में से, जाहिर बात है दोनों का जो है वो इंसान के ऊपर एक तरह से बराबर का ही जो है वो एहसान होता है। तो दोनों के साथ हुस्ने सुलूक का अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो है वो हुक्म दिया। हत्ता इदा बलगा शुद्ध हुआ बलगा 40 सना, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जी इंसान अपनी जवानी और 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है। ये 40 साल की उम्र बेसिकली मेच्योरिटी की उम्र है जिसमें इंसान जो है वो मेच्योर हो जाता है, और उस वक्त वो ये दुआ करता है कि या अल्लाह आप मुझे इस बात की तौफीक दें कि जो नेमतें आपने मुझ पे की हैं मैं उन नेमतों का शुक्र अदा करूं, और या अल्लाह जो नेमतें आपने मेरे वालदैन पे की हैं मैं उनका भी शुक्र अदा करूं, और या अल्लाह मुझे इसकी भी तौफीक दें कि मैं नेक अमल करूं, ऐसा नेक अमल जिससे आप राजी हो जाएं, और या अल्लाह मेरी जो औलाद है आगे उसकी भी आप इसलाह फरमा दें और मेरी तौबा कबूल फरमा लें और मैं इंशाअल्लाह से आपका फरमाबरदार बंदा हूँ। तो ये देखे ना बहुत प्यारी दुआ है, रब्बे औज़ेनी से शुरू हो रही है, ठीक है। तो इस दुआ को भी हमें अपनी जो है वो दुआओं में शामिल करना चाहिए, कुरान मजीद की अच्छी दुआओं में से है, और ख़ास तौर पे जो है वो वालदैन के साथ हुस्ने सुलूक जिसका कुरान ने कहा और ताकीद की है, मतलब बहुत ज़्यादा भलाई करो अपने वालदैन के साथ, बहुत ज़्यादा भलाई करो, जैसा कि एक जगह कुरान ने कहा कि उफ तक भी मत कहो। सूरह मुबारका की यानी सूरह अहकाफ के आखिरी रुकू में जो है वो एक वाक्य की तरफ इशारा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर से वापस आ रहे थे, तो एक वादी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, तो वहाँ फजर की नमाज में जो है वो जिन्नात ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना। तो जब जिन्नात ने वो कुरान सुना पहली मरतबा, जिन्नात की जमात का वहाँ से गुजर हो रहा था, तो वो कुरान सुनते ही वो ईमान भी ले आए और वापस अपने जिन्नात की कौम की तरफ गए, दाही बन के, मुबल्लिग बन के, प्रीचर बन के। तो कुरान ने उस वाकये की तरफ इशारा किया, ये गोया कि इंसानों को तवज्जो दिलाने के लिए कि देखो जिन्नात तुमसे बेहतर रहे, यानी मुशरिकीन मक्का को तवज्जो दिलाने के लिए कि उन्होंने रसूल सल्लम से एक मरतबा कुरान सुना और ईमान ले आए, ना सिर्फ ईमान ले आए बल्कि उस ईमान के दाई भी बन गए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ जिन्नात की एक जमात को फेर दिया था जो कुरान सुन रहे थे, यानी आप फजर की नमाज में पढ़ रहे थे, तो जब वो हाजिर हुई है वहाँ पे उनका गुजर हुआ तो वो एक दूसरे से कहने लगे कालू अनसितू, भाई खामोश हो जाओ, ये क्या पढ़ा जा रहा है। तो जब आप सल्लम ने तिलावत मुकम्मल कर ली तो वो फिर अपनी कौम की तरफ गए, वापस मुड़े मुनजरीन, इस हाल में कि अपनी कौम को वो डरा रहे थे और अपनी कौम को क्या कह रहे थे कि भाई मूसा के बाद अलैहिस्सलाम एक किताब नाजिल हुई है और जो सीधा रास्ता दिखाती है और हक बात की तरफ जो है वो रहनुमाई करती है। तो जिन्नात में बेसिकली जो है वो नबी नहीं आए, जिन्नात में नबी नहीं आए, इंसानों में से जो नबी होते हैं जिन्नात उन्हीं को फॉलो करते हैं, और इंसानों की जो शरीयत होती है वही जो है वो जिन्नात के लिए भी उसको, जैसे देखे ना यहाँ पे उन्होंने मूसा का तذکرہ किया, मूसा का, मूसा भी जो है वो इंसानों में से नबी थे, तो जिन्नात में से अलहदा से नबी नहीं आते, वो इंसानों में जो नबी आते हैं उन्हीं के पाबंद होते हैं, उन्हीं पे ईमान लाने के। तो अब जिन्नात के अंदर भी ईसाई हैं, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, फिर मुसलमानों में भी आगे जो है वो आप देखें कि उनके भी मसलक होते हैं, मतलब देवबंदी, बरेलवी, सलफी, अहलदी सारे ही होते हैं। तो वो जिन्नात जो है वो अपनी कौम से जाके क्या कहने लगे, अजीबू दाई अल्लाह, ऐ हमारी कौम के लोगों, ये एक दाई है जो अल्लाह की तरफ पुकार रहा है, अल्लाह की तरफ दावत दे रहा है, इसकी बात को, इसकी दावत को कबूल करो, इस पे ईमान लेके आओ, उससे क्या फायदा होगा, यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, तुम्हें अजाब से बचा लेगा, और जो अल्लाह के दाई की बात कबूल नहीं करेगा, ठीक है, जो तकब्बुर करेगा, ईमान नहीं लेके आएगा कि जिससे कुरान की दावत पहुंच चुकी है, उसने ये दावत सुन ली है, कुरान के अल्फाज उसने सुन लिए हैं, तो जो उस दावत को कबूल नहीं करेगा, फलेस बिमोजिज़िन फिल अर्ज़, तो वो अल्लाह को फिर जमीन में भाग के
आजिज नहीं कर सकता, मतलब अल्लाह ताला उसे आजिज, अल्लाह ताला फिर उसको पकड़ेंगे, और उसको पकड़ेंगे वलैस लहु मिन दूनी औलिया, और अल्लाह के अलावा कोई उसको छुड़ाने वाला भी नहीं होगा, उसका कोई हमायती भी नहीं आएगा कि उसका कोई कबीला, उसका कोई खानदान, उसका हमायती बन जाए अल्लाह के मुकाबले में, नहीं, उसको फिर पनाह की कोई जगह नहीं मिलेगी। और कहा कि यही लोग हैं जो कि गुमराह हैं, तो गोया कि वो फिर जिन्नात में भी अब इसी तरह से जो है वो दावत का काम चल रहा है माशाल्लाह से, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, और इंसानों से भी वो बहुत कुछ सुनते रहते हैं। इसके बाद अगली जो सूरत है, सूरा जो है वो मोहम्मद यानी अल्लाह के रसूल सल्लम के नाम पे ये सूरत है। इसमें अल्लाह ताला ने एक कायदा कुलिया बयान फरमाया, और वो ये है कि जो इंसानों में से अल्लाह के दीन की मदद करेगा, अल्लाह अज़्ज़वजल उसकी मदद करेंगे। तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम जो है वो अल्लाह की मदद करोगे। यहाँ अल्लाह की मदद से क्या मुराद है? यहाँ अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह की दीन की मदद है, अल्लाह की दीन की मदद है, तो अल्लाह की दीन की नुसरत है, यानी अल्लाह के दीन को खड़ा करने के लिए, अल्लाह के दीन की नशरो इशाअत, उसको फैलाने के लिए, उसको जो है लोगों को उसके ऊपर लाने के लिए, ठीक है। तो ये बहरहाल ये नुसरत जो है, नबी यही तो काम करते हैं दावत और तबलीग के जरिए से, जिहाद और किताल के जरिए से। तो जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा, अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा, ठीक है, और अल्लाह ताला तुम्हारे कदमों को जमा देगा, यानी अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद के लिए निकलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें साबित कदमी देंगे, अल्लाह ताला गोया जैसे तुम्हारे साथ खड़े होंगे हैं, जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नल्लाह मास्वाबिरीन है, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला जो है मतलब मैयत का लफ्ज, बहुत सारी जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारी सिफात के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़वजल ने वही जो कुरान मजीद का एक बड़ा मौजू है, जन्नत और जहन्नम, उसका तज़किरा हमें मिलता है, और जन्नत की नहरों का तज़किरा किया, नहरों का तज़किरा किया। बाज़ुकात कुरान मजीद जो है वो जन्नत की कुछ तफसीलात में चला जाता है, तफसीलात में। यहाँ पे कहा गया कि अल्लाह ताला ने जिस जन्नत का मुत्तकी लोगों से वादा किया है, उस जन्नत में चार किस्म की नहरें हैं। एक तो पानी की नहर, मिमाइन गैर यासिन, वो पानी जो बदबूदार नहीं होगा, जैसे आम पानी खड़ा हो जाए ना 2-4 दिन तो बदबू छोड़ देता है। दूसरा, वानहारु मिन लबन, दूध की नहरें होंगी, दूध की नहरें, मतलब यहाँ तो जो है वो खालिस दूध वैसे 1 लीटर नहीं मिलता, वहां क्या दूध की नहरें होंगी, लम यतगैर तामु, वो दूध जो कभी खराब नहीं होगा। तो अब तो घंटे 2 घंटे बाद अगर आप उसको उबाला ना दें तो खराब हो जाता है, गर्मियों में खास तौर पे, तो वो दूध कभी खराब नहीं होगा, उसकी नहरें जारी होंगी, नहरों में बहरा होगा। और इसी तरह शराब की नहरें होंगी, वनहारु मिन खम्र, खम्र, और वो शराब पीने वालों के लिए बहुत लज्जत बख्श होगी। और इसी तरह वनहारु मिन आसल मुसफ़ा, साफ सुथरे शहद की नहरें होंगी, एक शहद जब उतारते हैं ना छत्ते में से तो जारी बात है उसमें आलाइशें वगैरह आ जाती हैं, साफ सुथरा शहद, उसकी नहरें होंगी, नहरें, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और ये सब जन्नतुल फिरदौस से निकलेंगी, और फिर जैसे दरिया के, दरिया में पानी बह रहा है, ऐसे शहद और दूध और तो अल्लाह सुबहान व तआला फरमा रहे हैं कि और इसी तरह बहुत सारे फल भी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश, अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी का परवाना अपने बंदों के लिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं एक तरफ तो ये लोग होंगे, दूसरी तरफ वो लोग होंगे कमन व खालिदुन फिन्नार, जो हमेशा जहन्नुम में रहने वाले होंगे, व सुकुमान हमीम, और उन्हें खोलता हुआ गर्म पानी पिलाया जाएगा, फकत तमाम, जो उनकी अंतड़ियां काट के रख देगा। तो भाई देखो एग्जिट तो दो ही हैं, तुम इस प्लेनेट अर्थ पे मौजूद हो, अब यहाँ से तुमने निकलना है, जो मर गया वो निकल गया, यहाँ से आउट हो गया, ठीक है। तो अब ये जो आउट हो रहे हैं, यहाँ दुनिया से निकल रहे हैं, एग्जिट तो दो ही हैं, दरवाजे तो दो ही हैं, कोई तीसरा दरवाजा तो है ही नहीं, एक जन्नत का एक जहन्नुम का, ठीक है। तो जो आ गया प्लेनेट अर्थ पे, इस दुनिया में पैदा हो गया, अब उसकी एंट्री हो गई है, एंट्री तो एक ही है, ठीक है, एग्जिट दो हैं, जन्नत में है या जहन्नुम में है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि जन्नत में नहीं है तो फिर दूसरी तरफ दूसरा एग्जिट तो फिर जहन्नुम वाला है, और वो भी तुम जरा सोच लो, तो वो बेहतर है क्या? इस तरह से तुमने निकलना है दुनिया से, निकलना तो है, ये तो सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है, निकलना तो है सबने, यहाँ दुनिया में तो नहीं रहना, जो आ रहा है, जो एंट्री मार रहा है, उसकी एग्जिट भी हो रही है, ये तो सबको पता है, इससे बड़ी तो कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन ये नहीं ना पता कि एग्जिट कहाँ हो रही है, लेकिन एग्जिट के दो दरवाजे अल्लाह ने तो बता दिए भाई, एग्जिट कहाँ हो रही है।
इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ोजल क़यामत के हवाले से बयान फरमा रहे हैं कि जैसे मुशरिकीन मक्का आमतौर पर आप सलम से सवाल करते थे कि क़यामत कब आएगी, आप हमें क़यामत से डराती रहते हैं डराती रहते हैं, तो ऐ नबी सलम आप इनसे कह दें कि वो इनके पास अचानक आएगी। फ़कत जा अशरातों और क़यामत की निशानियाँ तो आ चुकी हैं, आ चुकी हैं। अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी क़यामत की निशानी अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल की बेसत है, ख़त्म नबूवत है, आपका आखिरी नबी होना है। और अल्लाह के रसूल ने बाद रवायात में कहा भी कि मेरे और क़यामत के दिन ऐसा फासला है जैसे दो उंगलियों के दरमियान का फासला है। आपके बाद तो किसी नबी ने आना ही नहीं है, आप तो आखिरी नबी हैं, अब हम भी आखिरी उम्मत हैं, अब इसके बाद क़यामत ही तो आनी है, इससे बड़ी निशानी क्या होगी। फिर कुछ जो है वो माइनर साइंस है क़यामत के, अलामात सुगरा जिन्हें कहते हैं, कुछ मेजर साइंस हैं, बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। छोटी छोटी निशानियाँ तो सारी हमें नज़र आ रही हैं, इस वक्त जो हदीसों में मिलती हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये बड़ा जो शोर मचा रहे हैं क़यामत कब आएगी क़यामत कब आएगी, तो जब आ जाएगी तो इनको क्या फ़ायदा होगा, इनको कोई फ़ायदा होगा, ये तो पकड़े जाएंगे। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ वजल ने ख़ास तौर पे मुनाफिकीन को मुखातब करते हुए कहा जिनके अंदर कोई निफाक पैदा हो चुका हो। लेकिन दरी बात है, अल्लाह का हुक्म तो आम है चाहे किसी कॉन्टेक्स में भी हो, कि कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तदब्बुर, तदब्बुर कहते हैं कुरान में गहरा गौर व फिक्र। तो कुरान को समझने के दो लेवल हैं जिनका कुरान ने तज़करा किया, एक है तज़क्कुर, एक है तज़क्कुर। तज़क्कुर क्या है? तज़क्कुर यह है कि कुरान मजीद को वाज़ो नसीहत के लिए, वाज़ो नसीहत के लिए समझना, समझने की कोशिश करना, यानी ये अवामी लेवल है कुरान मजीद को समझने का, कि अवामुन नास ने वाज़ो नसीहत के लिए कुरान को समझना। एक है तदब्बुर, ये इल्मी लेवल है, ये उलमा के लिए है, ये फुकहा के लिए, ये मुफस्सरीन के लिए, ये उनके लिए जिन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया कुरान के लिए, अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी, तो वो कुरान में की गहराई में उतरे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुरान मजीद में ये क्या गहराई में नहीं जाते, सरसरी से कुरान मजीद को समझने की कोशिश करते हैं और उससे इतराजात पैदा करते हैं। तो अगर सरसरी कुरान मजीद के मुताले से हिदायत नहीं मिल रही तो कुरान में गहराई में उतरे ना, क्या इनके दिलों पर ताले लगी हुई हैं कि कुरान मजीद इनके ऊपर असर नहीं कर रहा, तो या ये कुरान में गहरा गौर नहीं करते, या अगर गौर करते हैं तो इनके दिलों पे ताले पड़े हैं कि वो गौर व फिक्र से जो है वो नताइज पैदा नहीं हो रहे, इनके अंदर ईमान नहीं पैदा हो रहा। तो इसकी वजह यही है कि इनके दिल इन्होंने बंद कर रखे हैं। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़वजल ने जो है वो सूरह मोहम्मद के आखिरी रुकू में बुख्ल और कंजूसी की मजम्मत की है और कहा है कि देखो ये दुनिया की जिंदगी क्या है, खेल तमाशा ही तो है। तो अगर तुम ईमान लेके आओ, अल्लाह से डरते रहो, तो अल्लाह ताला तुम्हें आखिरत में बड़ा अजर देंगे। और देखो अहम बात यह है कि अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे सारे माल नहीं मांग रहा, सारा माल नहीं मांग रहा, ये बड़ी अहम बात है। अल्लाह ताला ने यही कहा ना भाई 2.5% दे दो, ज़कात इतनी है ना कुल माल में 2.5%, वो भी सब पे फ़र्ज नहीं है, ठीक है, वो भी एक ख़ास निसाब मिनिमम अमाउंट है, उसको पहुंचे तो फिर उसके ऊपर फ़र्ज होती है। तो अल्लाह ताला ने तुमसे सारा माल तो मांगा ही नहीं, अल्लाह ताला चाहता तो सारा माल मांग लेता, सारा माल मांग लेता तो सारों का ईमान गायब हो जाता। तो अल्लाह ने तो तुम्हें किसी बड़ी आजमाइश में डाला ही नहीं है, डाला ही नहीं। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं तबहलुम, अगर अल्लाह ताला तुमसे सारा माल मांग लेता तो फिर तुम में से बहुत सारे लोग क्या करते, बुख्ल करते, ठीक है, और फिर अल्लाह ताला जो है वो उनके अंदर का कीना जो है वो बाहर निकाल रखता, दिखा देता। ख़ास तौर पे मुनाफिकीन के कॉन्टेक्स में बात हो रही है कि थोड़ा बहुत तो वो भी खर्च कर लेते थे, लेकिन अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ये हुक्म दे देते कि भाई सारा ही माल खर्च कर दो, मोमिन तो सारा खर्च कर देता, वाजे हो जाता कि ये मोमिनों की जमात है, मुनाफिकीन ना खर्च कर पाते तो वाजे हो जाता ये मुनाफिकों की जमात है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने खुद पर्दे रखी हुई हैं तुम मुनाफिकों के, मैंने खुद पर्दे रखी हैं, वरना तो मैं एक हुक्म भेजूँ तो तुम मुनाफिकों की जमात अलहदा हो जाए, निखर के सामने आ जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता चल जाए, सहाबा को भी पता चल जाए कि ये है मुनाफिक। लेकिन अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ, इसलिए अपने अंदर का निफाक दूर करो और अब जो है वो सही तरह से जो है वो ईमान लेके आओ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुछ लोग वो हैं जो अल्लाह के रस्ते में खर्च करते हैं जब अल्लाह ताला हुक्म देता है खर्च करने का, कुछ वो हैं जो कंजूसी करते हैं। तो जो कंजूसी कर रहा है वो अपना फ़ायदा नहीं कर रहा, वो अपना नुकसान कर रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और ये भी समझो कि अल्लाह ताला तो बेनियाद, अल्लाह को क्या तुम्हारे पैसे की, तुम्हारा पैसा अल्लाह को थोड़ा पहुंचता है जो तुम अपने जैसे इंसानों के ऊपर ही खर्च करते हो ना।
और बाद अवकात तो ये है कि सदके में तो हुक्म यही है कि अपने रिश्तेदारों से शुरू करो और अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करके वो तो अल्लाह ताला तुम्हें सवाब दे रहा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह ताला तो बेपरवाह है, बेनियाद है, तुम असल में फकीर हो, तुम असल में फकीर हो, और अगर तुम अल्लाह के अहकाम पे अमल नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा, किसी और कौम को ले आएगा, और वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे फिर। ठीक है, तो ये मुनाफिकीन के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बात हो रही है। लेकिन बहरहाल अब आदमी कोई मुनाफिक ना भी हो, ईमान अगर कमज़ोर हो तो इस किस्म की बखीली कंजूसी इंसान के अंदर आ जाती है, तो फिर कुरान मजीद की ये आयात गोया कि इंसान को एक उसके लिए इंतजार का बायस बनती है, इंतजार डराने का बायस, क्योंकि कुरान का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव डराना भी है इंसान को कि भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो कंजूस ना बनो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो उसकी मजम्मत की है। इसके बाद सूरह फतेह का तस्करा मिलता है। सूरह फतेह जो है ये खास तौर पे सुलह हुदैबिया जो हुई थी उसकी तरफ इशारा, और सुलह हुदैबिया का भी यहाँ पे जो है सन 6 हिजरी में हुई थी, गजबे खंदक के बाद अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा था कि आप उमरा कर रहे हैं, तो आपने साहबा से मशवरा किया, तो साहबा ने कहा निकलते हैं, तो अल्लाह के रसूल 1400 साहबा को लेकर निकले उमरा के इरादे से, जंग के इरादे से नहीं। तो हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचे तो फिर आप ने जो है वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को भेजा और मुशरिकीन मक्का को ये बताने के लिए कि हम बस उमरा करने आए हैं, तो लेकिन बात वो बन ना सकी। मुशरिकीन मक्का ने हजरत उस्मान को रजी अल्लाह अन्हु को रोक लिया और ये मारूफ कर दिया कि जी उनको शहीद कर दिया गया है। अल्लाह के रसूल ने साहबा से फिर बैत ली 1400 साहबा से कि हमने हजरत उस्मान के खून का बदला लेना है। ठीक है, तो बाद में जो है वो मामला वाजे हो गया, मुशरिकीन ने भी हजरत उस्मान को छोड़ दिया, फिर वो आए, वो भी जंग से घबराए हुए थे, थके हुए थे, तो उन्होंने मुआहदा किया, और उस मुआहदे की मेन शिकें ये थी कि 10 साल तक मुसलमानों में और मुशरिकीन मक्का में जंग नहीं होगी, और जो कबाइल चाहे मुसलमानों के साथ मिल जाएं, जो चाहे मुशरिकीन मक्का के साथ मिल जाएं, तो इस तरह से यह है कि मुसलमान इस साल उमरा नहीं करेंगे, अगले साल आएंगे उमरा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो कुछ शराइत थी। तो अब गोया कि ये एक अमन का मुआहदा था, एक अमन का मुआहदा था। इससे देखे ना कि इस्लामी रियासत के खास तौर पे लेवल पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जंगें नहीं की, यानी इस्लाम जो है वो सिर्फ जंगो जिदाल का नाम नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदात भी किए। सबसे पहले तो आपने मिसाक मदीना किया, यहूदियों से मुआहदे किए अल्लाह के रसूल ने। ठीक है, फिर आपने मुशरिकीन मक्का से बदतरीन दुश्मनों से मुआहदे किए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सिर्फ बदर और उहद और खंदक नहीं है, मिसाक मदीना भी है और सुलह हुदैबिया भी है। ये बात समझने की जरूरत है, हर वक्त मुसलमान जो है वो लड़ाई और जंगो जिदाल के हालात में नहीं रह सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो वक्त लिया है सुलह के जरिए से, अगरचे उसमें मुसलमानों को दब के सुलह करनी पड़ी, क्योंकि मुशरिकीन ने ये शर्त भी रखी थी कि अगर कोई मुसलमान हो के मक्का से भाग के मदीना आएगा तो मुसलमान उसको वापस करेंगे, और अगर कोई मदीना से मक्का आएगा भाग के मुर्तद होके तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। तो अब मुसलमानों को दब के सुलह करनी पड़ी, लेकिन ये वो टाइम पीरियड था, 6 हिजरी में सुलह हुई है, 8 हिजरी में फतेह मक्का हुआ है, ये जो 2-3 साल इसमें इस्लाम बहुत फैला इस सुलह की वजह से। तो अल्लाह के रसूल ने इसलिए कहा कि जंग से जो है वो आफियत मांगो, जंग से आफियत मांगो, हाँ पड़ जाए तो फिर डट जाओ। तो अगले रुकू में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उस बैत की तरफ इशारा किया है, इसको हम बैत रिजवान कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें अल्लाह ताला ने अपनी रजा का परवाना जारी किया है कि मैं उन लोगों से राजी था। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, लकद राजी अल्लाह अनिल मोमिनीन, अल्लाह उन अहली ईमान से राजी हो गया। तो भाई अल्लाह ने राजी होने का सर्टिफिकेट दे दिया, और ये दो चार को नहीं दिया। अब देखे ना, एक खास तबका हमारे यहाँ जैसे दो चार के नाम लेता है, बस उसके अलावा उसकी जुबान पे कोई नाम ही नहीं चढ़ता। जब उन्हें कहा जाए कि जी साहबा के बड़े फदाइल हैं, तो किसी टीवी शो में भी बैठे होंगे तो ना अबू बकर का नाम लेंगे, ना उमर का नाम लेंगे, ना उस्मान का नाम लेंगे, हम वो क्या लें, वो दो चार जो है हजरत सलमान फारसी का नाम ले लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से और दो चार जो है वो हजरत यासिर का नाम ले लेंगे, तो इस तरह से और जो है वो दो चार साहबा के बस नाम ले लेंगे। उनके नजदीक बस यही है कि सहाबा तो जो है एक तो वो अहले बैत में 5 लोग थे और 5-7 और थे, बस इसके अलावा तो कोई था ही नहीं अल्लाह के रसूल के साथ, माज अल्लाह को सारी मुनाफिकों की जमात थी। तो यहाँ 1400 सहाबा के बारे में बैत रिजवान में 1400 सहाबा शरीक थे, उनको अल्लाह ताला रजा का परवाना जारी कर रहे हैं, उनको जारी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला राजी हो गया अहली ईमान से जबकि वो आपसे बैत कर रहे थे, तख्त शजरा दरख्त के नीचे। तो फालिमा माफी कुलूबिम, कितनी बड़ी गवाही अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने जान लिया जो उनके दिलों में था। भाई तुम्हें क्या पता,
तुम्हें क्या पता? अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने उनके दिलों में झांक लिया कि उनके दिलों में ईमान है और मैं उनसे राजी हो गया। फानजल सकीना, अल्लाह ने उन पे सकीनत नाजिल की है और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो करीबी फतह दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इसी तरह गजवे बदर के सहाबा के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने जो है वो उनके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा दिए। और यहाँ तक भी कि ये सुलह हुदैबिया के बारे में ये भी रवायात में मिलता है कि जो सुलह हुदैबिया में शरीक था वो जन्नती है। ये कुरान से भी इनका जन्नती होना साबित है, अहादीस से भी साबित है, लेकिन फिर भी मालूम नहीं कहाँ से उनकी जो है वो मत मारी जाती है। इसके बाद जो है वो आखिरी रुकू में सूरह फतह के अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सहाबा की जमात का तस्करा किया, सहाबा की जमात का, ठीक है, और उनके फजाइल बयान फरमाए। कहा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद वसल्लम के जो साथ हैं वो कौन हैं? वो सहाबा हैं। वल्लदीन माहू, और जो उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफार रहमाउ बैनहुम, काफरों पे भारी हैं आपस में नरम दिल हैं। और फिर अल्लाह ने उनकी सिफात बयान की कि वो रुकू की हालत में कभी सजदे में पड़े हैं, हर वक्त अल्लाह को खुश करने में लगे हैं, या अल्लाह तू राजी हो जा, तू राजी हो जा, कभी सदका करके, कभी जिहाद करके, कभी अब अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करके, कभी रातों को एक एक तिहाई रात मतलब तहज्जुद में खड़ा होके, कभी रोजे रख के हैं, वो तो मतलब अल्लाह को राजी करने में खप गए। सीमा उम फी वजूह मिनासर, इतने सजदे किए हैं कि उनके चेहरों से नजर आ रहा है कि ये सजदे करने वाले चेहरे हैं। और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इनकी मिसाल मोहम्मद और रसूल सल्लम के सहाबा की मिसालें हमने तौरात में दी, हमने इंजील में दी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो साहब हैं उनकी मिसाल क्या है? एक खेती है, ठीक है, जैसे किसान जो है ना वो बीज बोता है ना, अल्लाह के रसूल सल्लम की दावत से बीज लगा है, बीज, ये रसूलुल्लाह सल्लम की खेती है, ये रसूलुल्लाह सल्लम की खेती है साहबा की सूरत में जो हमें नज़र आ रही है। जैसे किसान कोई बीज बो के आता है, फिर उससे जो है वो एक नाल निकलती है, छोटा सा पौधा निकलता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो मजबूत हो जाता है, फिर खेती जो है जब अपने पाँव पर खड़ी हो जाती है, जैसे बाग जो है वो तैयार हो जाता है खजूरों का, तो फिर क्या होता है? यो जब जुर्रा, फिर जो किसान होता है उसका दिल खुश हो जाता है अपनी खेती को, अपनी बाग को देख के, उसे अपनी मेहनत का फल नजर आ रहा होता है ना। तो अल्लाह के वसल्लम ने बीज लगाया, ईमान का बीज बोया, सहाबा आए, दो आए, चार आए, फिर ईमान लाते गए, एक जमात तैयार हो गई। उस जमात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? जजीरा नुमा अरब में पूरे दीन को गालिब किया। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दो चार लोगों के साथ पूरे जजीरनामा अरब पे दीन गालिब कर दिया था? मतलब कोई करने वाली बात करें। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? यो जी बुजुर्रा, किसान को खुशी होती है अपनी वो खोई खेती देख के, रसूलुल्लाह सल्लम का दिल बाग बाग हो जाता है सहाबा को देख के मेरे दीन के लिए खिदमत करने वाले, लियगीज़ बिहिम अल-कुफ्फार, और काफिर जो है वो उससे जलते हैं, काफरों को इस पे गुस्सा आता है। यानी सहाबा इकराम की जमात से खुश कौन होता है? रसूलुल्लाह सल्लम, और जो रसूलुल्लाह सल्लम के फॉलोअर हैं, और जिसे सहाबा पे गुस्सा आता है वो कौन है? लियगीज़ बिहिमुल कुफार, सहाबा की जमात को दे के गुस्से में कौन आता है, गैज़ो गज़ब में कौन आता है, किसके मुंह से झागे निकलना शुरू हो जाती हैं, कौन जो है वो उनसे नफरतें महसूस करता है? तो फरमाया लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, ये काफिर हैं जो सहाबा इकराम की अब जमात को देख के जो है वो क्या है, गैज़ो गज़ब में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लेकिन इन काफरों को गैज़ो गज़ब में पड़े रहने दो, हैं ये सहाबा इकराम की जमात अल्लाह ने जो तैयार कर दी है, फिर उससे अल्लाह ने फिर दीन को गालिब किया खुलफाए राशिदीन के दौर में, तो इन सब से अल्लाह ने वादा कर रखा है मग़फ़िरत का भी, मग़फ़िरत का भी और अजर अज़ीम का भी। इसके बाद सूरह हुजरात में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो है वो कुछ सोशल ईवल्स का तस्करा किया, कुछ समाजी बुराइयां हमारे माशरे में पाई जाती हैं, अगर हम उनको ख़त्म कर दें तो हमारे माशरे में बहुत अमन चैन सुकून पैदा हो सकता है, बहुत सारे झगड़ों को, फितने फसाद को हम अपने माशरों से दूर कर सकते हैं। तो शुरू में रसूलुल्लाह सल्लम के कुछ आदाब, कुछ हुकूक बयान फरमाए हैं, आप सल्लम की मजलस के कुछ आदाब बयान फरमाए हैं। उनमें से एक आदब यह है कि अहले ईमान, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लम की पास बैठे हो, ला तरफ़ु अस्वातकुम फौका सौतिह, तुम्हारी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए, ऊंची। एक साहबी आई भी अल्लाह के रसूल से कहते हैं, अल्लाह के रसूल मेरी आवाज़ अब तबन ऊंची है,
जैसे कुछ लोगों का वालियम ऊंचा होता है, तो अब अल्लाह ताला ने तो मना किया, तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, तुम इस आयत से मुराद नहीं हो। ठीक है, वो असल में होता यह था कि बद्दू लोग जैसे आते थे, तो अब वो अनपढ़ लोग थे, तहजीब याफ्ता नहीं थे, तो जब मदीना में आते थे अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए, तो आपके खैमे के बाहर खड़े होके ऐसी आवाज़ लगाना शुरू कर देते, उखरुज या मोहम्मद, मोहम्मद बाहर आए हमारी बात सुने। तो अल्लाह के रसूल सल्लम के बारे में कहा गया कि भाई कोई आदाब है अल्लाह के रसूल को इस तरह से पुकारना, ये मुनासिब नहीं है, इस तरह की आवाज़ें कसना लगाना जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, अंतहबत अमालुकुम अंतुम ला तशऊरून, ये ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए और तुम्हें इसका शऊर भी ना हो। तो रसूल सल्लम का एक मुकाम है, अल्लाह के रसूल सल्लम की जो तअज़ीम है ये हमारे ईमान का लाजमी जुज़ है। देखिए ये कोई शख्सियत परस्ती नहीं है, ये शख्सियत परस्ती नहीं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझने की ज़रूरत है। असल में देखिए रसूल सल्लम की जो ज़ात है वो मस्तरे दीन है, वो सोर्स ऑफ दीन है। हमें जो दीन मिल रहा है ना, दीन कुल का कुल, वो ना अल्लाह ने हमें बराह रास्त आके दिया, ना हजरत जिब्रील ने हमें दिया। वो दीन हमें कहाँ से मिला, वो रसूल सल्लम से मिला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे अगर कोई उंगली उठती है तो वो सीधी उस दीन पे भी उठती है जो आप सल्लम से हमें मिल रहा है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की जो ताजीम की बात की गई है, तो ये नहीं कहना चाहिए कि इस्लाम में कोई शख्सियत परस्ती है। ये बेसिकली अल्लाह ताला के उस दीन की भी ताजीम है, उस दीन की भी ताजीम है कि जो दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंच रहा है। कुरान हो तो कुरान हमें कहाँ से मिल रहा है, रसूल सल्लम से। सुन्नत है तो कहाँ से मिल रही है, हमारे लिए इस दुनिया में दीन का वाहिद सोर्स रसूल सल्लम की जात है। ठीक है, तो इसलिए रसूल सल्लम की तज़ीम, आप सल्लम का अदब, आप सल्लम का एहतराम, ये ईमान का जुज़ है, ये ईमान का जुज़ है, ये ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर भी ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुछ अहकामात दिए हैं जिनका ताल्लुक जो है वो सोशल ईवल से है, कि ये समाजी बुराइयां अपने माशरों से ख़त्म करो तो तुम्हारे माशरे जो है वो अमन और सुकून के गहवारा बन जाएंगे। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कह रहे हैं, सबसे पहली जो समाजी बुराई जिसका तज़किरा किया वो ये है कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, फतबयनु। ठीक है ना, एक आदमी आदिल है, सिका है, ठीक है, सच्चा है, ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, उसकी बात पे तो आप ईमान ला सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, एतमाद कर सकते हैं, और आमतौर पे हमारे यहाँ लोग करते हैं। लेकिन एक आदमी जिसका करेक्टर जो है वो अच्छा नहीं है, वो अपने करेक्टर का जो है वो किरदार में अच्छा नहीं, वो आपको अगर कोई खबर दे तो फिर उसकी खबर पे इतमाद नहीं करना, नहीं करना, तहकीक करनी है। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसकी खबर पे इतमाद कर लोगे तो हो सकता है माशरे में फसाद फैले। फसाद कैसे फैलेगा, जैसे आपके दोस्तों में से किसी दोस्त ने जो कि झूठ भी बोलता है आपको बताया कि जी फलां दोस्त ने तुम्हारे बारे में ये बातें कर रहा था, तो अब आपने उसकी बात का अगर यकीन कर लिया, ठीक है, और सीधा जाके अपने उस दोस्त पे चढ़ाई कर दी, तूने मुझे जो है वो फलां के सामने गालियां दी हैं, तो आप वो कह जा रहे हैं यार मैंने तो गालियां नहीं दी, तो ये नहीं, इससे फितना फसाद बढ़ता है। देखिए घरों में भी अमूमन ऐसा होता है ना, खासतौर पे औरतों में लगाई बुझाई ज्यादा होती है, एक ही बात दूसरे तक पहुंचती है तो आपस में लड़ना शुरू कर देती है, देवरानी जेठानी और इसी तरह से जो है वो नंद और सास बहू और ये सारे झगड़े हमें नजर आते हैं। इसकी बुनियाद पीछे क्या होती है कि खबर एक से दूसरे तक पहुंचती है तो वो उस खबर पे बेईनी ही ईमान ले आती है या ले आता है, और उसकी बुनियाद पे फिर वो जिसकी तरफ से उसे खबर मिलती है उसे झगड़ा करने के लिए पहुंच जाता है या पहुंच जाती है। ठीक है, तो कुरान ने कहा कि तहकीक कर लिया करो, तहकीक कर लिया करो, ऐसी जो है वो खबरों, इसी तरह मीडिया को देख लें, मीडिया को आप देख लें, तो मीडिया जो है ना, मीडिया नेट की तो मीडिया जो है, अब मीडिया की खबर पे भी जो है वो इसी तरह से एतमाद करना ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया खबरें फेंकता रहता है उसका एटीट्यूड जो है वो मुहतात नहीं है, तो तहकीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी खबर पे आप एतमाद करके, हमारे यहाँ लोग बहुत सारे फितने फसाद बर्पा कर देते हैं। ठीक है, एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है जिसका कोई सर पैर ही नहीं होता, जैसे कि जिस सवात में जो है वो औरत को जो है वो घोड़े मारे गए,
वो वीडियो वायरल हो गई और फिर जो है वो लिबरल तबके ने मजहबी तबकों के ऊपर जो गंद उछाला, झूठी सच्ची जैसी भी वीडियोस होती हैं, तो बाहर इस तरह से अगर कोई वीडियोस वायरल भी होती हैं तो उन वीडियो के बारे में पहले जो है वो तहकीक कर लेनी चाहिए, किसी कौम के ऊपर ऐसी बरसना नहीं शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ वजल ने ये बात बयान फरमाई है कि अगर अहले ईमान के दो ग्रोह, दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान जो है वो सुलह करवा दिया करो। मोबाइल तो ये बहुत अहम हुक्म है कुरान मजीद का। दो मुसलमानों में, दो भाइयों में लड़ाई हो जाए, दो ग्रोहों में, दो मसलकों में लड़ाई है तो आप क्या करें, उनके दरमियान सुलह करवा दें। थर्ड जो पार्टी है उसका रवैया ये नहीं होना चाहिए, उसका एटीट्यूड कि भाई सानू की है, नहीं ये नहीं, फासले हो बहन हो, ये नहीं कि हम तमाशा देख, हमारे आम तौर पे लोग जी दो आपस में लड़ते हैं तीसरे तमाशा देखते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपस में जो है वो इस्लाह करवा देनी चाहिए, लड़ाई को जो है वो खत्म करवा देना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक दफा तुमने लड़ाई को जो है वो खत्म करवा दिया, अब एक दफा खत्म करवाने के बाद अगर जो है वो सुलह हो गई है, अब उस सुलह के बाद जो है वो कोई फरीक ज्यादती करता है तो जो ज्यादती कर रहा है ना, अब तुम उससे लड़ो, अब तुम उससे लड़ो, अब ज्यादती करने वाले से लड़ना पड़ता है। हाँ, जब तुम उससे लड़ो और उसको वापस उस सुलह की तरफ लेके आओ, अगर तो वो आ जाए तो बस ठीक है, इतना काफ़ी है। अब ये नहीं कि उसको काफिर ही समझ के जो है वो उसको कत्ल करना जो है वो सवाब समझ लो, नहीं ये नहीं। तो किसी मुस्लिम माशरे में अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो दूसरे लोगों का रवैया ये नहीं होना चाहिए कि ये लड़ते हैं तो लड़ते मरते रहे, हमारा तो मैदान साफ हो रहा है, ये नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ के उनके दरमियान सुलह करवानी चाहिए। जहाँ पे भी हो जाए, दो भाइयों में हो जाए, दो बहनों में हो जाए, सास बहू में हो जाए, ठीक है, वालदैन और औलाद में हो जाए, तो बाकी लोगों को सुलह करवानी चाहिए। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ वजल ने जो है वो अगली आयात में ये अहकामात बयान फरमाए हैं कि मुसलमान जो है वो एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। एक दूसरे को टीज किया जाता है, एक दूसरे का तमस्कर उड़ाया जाता है, जिसे हमारे यहाँ बुलिंग कहते हैं, बुलिंग बच्चे स्कूल में बहुत करते हैं, बच्चे जो है वो कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं, दूसरे बच्चों के ऊपर क्या करते हैं, शाउट करते हैं, ठीक, उनको तंग करते हैं। तो मजाक नहीं उड़ाना किसी का, हो सकता है जिनका वो मजाक उड़ा रहे हो वो दीनी इतबार से उनसे बेहतर हो। तो अब किसी को अल्लाह ताला ने जो है वो खिलकी इतबार से, पैदाइशी इतबार से काला काला रंग उसका अगर है तो अब उसको कालू कह के पुकारना, अगर कोई पैदाशी तौर पे बेचारे के अंदर ऐब है, वो लंगड़ा के चलता है, अब उसको जो है वो लंगड़ा कहना, ठीक है, किसी को जो है वो पैदाशी तौर पे बेचारा नाबीना है, नज़र नहीं आता, अब उसको अंधा कहना, ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि देखिए ये मुनासिब नहीं है ना। तो इसी तरह औरतों में जैसे एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है, वो फलानी को तो पहनना ओढ़ना ही नहीं आता, उसे तो लिपस्टिक भी लगानी नहीं आती है, ये जो तबसरे होते हैं, कमेंट्स करते हैं, जिसमें दूसरे के लिए एक तहकीर और तजलील का एक अंसर होता है, इससे कुरान ने मना फरमाया, इससे मना, इसलिए खास तौर पे औरतों का भी जिक्र किया। पहले देखें कौम मिन कौम का तस्कर आया, फिर खास तौर पे औरतों का आया, हालांकि औरतें तो कौम में शामिल थी लेकिन औरतों में ये बुराई मतलब ज्यादा होती है। वला निसाउ मिन निसाइन, औरतें दूसरी औरतों का मजाक ना बनाएं, क्योंकि जिनका वो मजाक बना रही है हो सकता है कि वो ईमान में, तकवा में, नेकी में उनसे बेहतर हो। तो ये बीमारी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। वला तलमिजु अनफुसकुम, और एक दूसरे को ऐब ना लगाओ, एक दूसरे की ऐब जोई ना करो, ठीक है, वला तनाबज़ु बिलाल, एक दूसरे के बुरे नाम ना रख लो, बुरे नाम रख लेते हैं, एक दूसरे के बुरे नाम रख लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो है वो मजहबी ग्रुप्स एक दूसरे के नाम रख लेते हैं उनको चिढ़ाने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए, जैसे औरतों में और मर्दों में किसी को मासी पत्तो कह दिया, किसी को माजा गामा, मतलब इस किस्म के नाम। देखिए अगर तो वालदैन अपने बच्चों को पप्पू कह देते हैं या गुड़िया कह देते हैं, इस तरह से नाम रख लेते हैं जिससे मुराद उनको जलील करना नहीं होता और वो माइंड भी नहीं करते, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये खास तौर पे नाम बिगाड़ना, किसी का नाम रखना इस तरह से कि अगला उससे तकलीफ महसूस करता हो,
पेन फील करता हो, इससे तो झगड़ा बढ़ेगा, फसाद पैदा होगा, इससे मना किया। और कहा ईमान लाने के बाद तो बुराई का नाम भी बुरा है, बजाय इसके कि तुम बुराई करना शुरू हो जाओ। इसके बाद अगले आयात में अल्लाह ताला ने मजीद तीन बुराइयों का जिक्र किया सोशल इवल्स का। यानी पहले तो था ना मजाक उड़ाना, एक दूसरे की ऐबजोई करना और एक दूसरे के बुरे नाम रख लेना। अब जो तीन है वो क्या है? बुरा गुमान करना, बुरा सोचना किसी के बारे में। कोई अपनी जो है वो मतलब अब कोई दोस्त है वो बाइक पे जा रहा है, भले अपनी बहन के साथ जा रहा हो, अब उसके बारे में सोचती रहना पता नहीं किसके साथ जा रहा है डेट मारने। नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। मतलब हमारे बाज़ुकात लोगों की ना नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, वो अगले के बारे में हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ये नहीं करना, ये नेगेटिव थिंकिंग से निकलो। बुरा गुमान क्या होता है? किसी के बारे में बुरा सोचना। अगर किसी की बुरी चीज आपके सामने आ जाती है उसको भी कोई अच्छी इंटरप्रिटेशन कर दो उसकी भी, बजाय इसके कि किसी की कोई चीज तुम्हारे सामने आती है और तुम उसकी बुरी इंटरप्रिटेशन में लगी हुई हो। ये नहीं, उस बेचारे ने आदमी सीढ़ी पकड़ी है, पता नहीं आप मौलाना साहब जो है वो क्या कोई मूवी शूवी देखते हैं, हो सकता है वो रात की सीढ़ी हो। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है बुरा गुमान करना। तो कहा कि गुमान जो है ये गुनाह के दर्जे को पहुंच जाता है, बुरा गुमान गुनाह तक पहुंचा देता है आपको। क्योंकि देखें जिसके बारे में आपका गुमान बुरा हो गया तो आपका रवैया भी उससे बुरा हो जाएगा। तो हमेशा अच्छा गुमान रखें, अच्छा मुसलमान से अच्छा गुमान रखना चाहिए, बज़ाहिर उसकी कोई चीज़ जो है वो तुम्हारे सामने। जैसे इमाम मालिक रहिमहुल्लाह आखिर उम्र में मस्जिद नबी में नहीं आते थे जमात की नमाज के लिए, और कई साल तक नहीं आए। फिर अपनी वफात से पहले उन्होंने बताया कि असल में मुझे सलसलतुल बौल की बीमारी है, कि पेशाब के कतरे आते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के रसूल की मस्जिद में जो है वो मेरी वजह से नापाक हो। वला तजस्सुस, आगे जो अल्लाह ताला ने कहा है जासूसी नहीं करनी, एक दूसरे की टो नहीं लगानी, जैसे हमारे यहाँ औरतों में आमतौर पर आदत होती है पूरे महल्ले की खबरें जो है वो लेके रखी होती हैं, फलां घर में क्या, फलां घर में क्या हुआ, और फिर अपने शोहरों से जो है वो बड़े मज़े ले लेके डिस्कस कर रही होती हैं। या एक दूसरे की फैमिली में औरतें जो है वो जिस तरह मज़े ले लेके जो है वो खबरें डिस्कस करती हैं, नहीं ये नहीं, टो नहीं लगाना चाहिए। किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी को इस तरह से डिस्कस भी ना करो, ये ना हो कि तुम्हारे ऊपर कभी वो बुरा वक्त आ जाए। ठीक, वला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से एक दूसरे की गीबत ना करे। गीबत के अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि अगर मेरे मुसलमान भाई में वो बुराई हो और उसका भी मैं जिक्र करूँ, तो अल्लाह के रसूल ने कहा यही तो गीबत है, अगर उसमें वो बुराई नहीं है और तुम उसका तज़किरा करते हो ये तो बोहतान है। तो अगर मुसलमान भाई में वो बुराई है और फिर तुम उसकी गैर मौजूदगी में उसका जिक्र, यही तो गीबत है। और गीबत क्या है? मुसलमान भाई का जो कि मर चुका है उसका गोश्त खाने के बराबर है। ये कुरान ने कहा अय्याकुल लखमा अखीहि मैतन, जैसे मुर्दार का तुम तो मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। क्योंकि देखे ना जो भाई आपका मजलस में नहीं है तो वो ये तो एक डेड बॉडी की तरह है ना, जैसे डेड बॉडी को आप जिस तरह से मर्जी उसका पोस्टमार्टम करें वो अपना दिफा तो नहीं कर सकती, इसी तरह से जो भाई आपका मजलस में नहीं है वो अपना दिफा नहीं कर सकता। हो सकता है वो मौजूद होता, वो कहता भाई आप ये जो बात बयान कर रहे हैं इस तरह से नहीं, इस तरह से है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब वो दिफा तो कर नहीं सकता, आप उसकी इज्जत नफ्स पे जिस तरह से मर्जी कीचड़ उठा ले। ये बेसिकली गीबत है, इससे मना किया, इसको हराम करार दिया है, मना भी नहीं किया, हराम करार दिया, और इसको कहा कि मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो है वो मुसावात, मुसावात का बुनियादी तरीन उसूल जो यहाँ इन आयात में बयान हुआ, और कहा कि इंसानों हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और औरत से, यानी आदम और हवा से, और हमने तुम्हारे कबाइल बनाए, हमने तुम्हें कौमों में बांट दिया। किस लिए? तारुफ के लिए। देखिए ये जो बरादरी का निज़ाम है, ये जट है, ये राजपूत है, ये आवान है, ये अराई है, ठीक है, ये बट है, ये सारा जो फैमिली सिस्टम है हमारे यहाँ, ये अगर सिर्फ तारुफ के लिए हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ये बुनियाद बन जाए सोसाइटी के अंदर ग्रेडेशन की, समाजी तबकात की, ये फिर बहुत गलत है। जैसे हिंदुओं ने जो है वो क्या किया, चार जातें बना ली कि ये आला दर्जे की है, जैसे हमारे यहाँ सैयद बड़े आला दर्जे के हैं, बाकी सारे तो जैसे नहीं, ये नहीं कहा। इन नाकर्मकुम इंदल्लाह यत्काकुम, अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत उसकी है जो सबसे मुत्तकी है, सबसे मुत्तकी। अल्लाह के यहाँ तकवे से मंजिलें तय होती हैं, तकवे से मरातिब तय होते हैं, कौमों से, कबीले से, खानदानों से, सैयद का टैग लगा हुआ है, इससे अल्लाह के यहाँ नहीं तय होगा कि उसकी कोई बड़ा मकाम और मर्तबा है। अल्लाह के यहाँ
मतलब एक ऐसी फैमिली से जिस जो तुम्हारे नज़दीक जो है वो कोई बहुत कमी कमी शुमार होते हैं फैमिली के एतबार से, अगर उनमें कोई मुत्तकी है तो अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा सैयद से बढ़ के हो, तो अल्लाह के यहाँ मकाम और मरतबे की बुनियाद तकवा है। इसके बाद सूरह काफ है। सूरह काफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मामूल में रहती थी, बल्कि जुमा के खुतबा में अक्सर बेशतर अल्लाह के रसूल सूरह काफ की तिलावत करते थे, सूरह काफ की, बल्कि ईद के खुतबा में भी। एक साहबिया तो ये कहती हैं कि मैंने अल्लाह के वसलम से इतनी ज़्यादा ये सूरह काफ सुनी है कि मैं उस वक्त आम तौर पे तंदूर पे रोटियां पका रही होती थी जब आप खुतबे के लिए खड़े होते थे और ये सूरत पढ़ते थे, और ये मुझे इसी तरह से ज़ुबानी याद हो गई। तो इसमें भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो है वो अपनी नेमतों का तस्करा किया और ख़ास तौर पर पूरी ज़िंदगी का एक नक्शा खींच दिया कि इंसान जब दुनिया से कैसे आता है, ज़िंदगी गुजारता है, और फिर उसके बाद आखिरत का नक्शा खींच दिया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इंसान को पैदा किया और हम ये जानते हैं कि इंसान का नफ्स उसको कैसे वसवसे डालता रहता है। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया ना, दुनिया में उसकी एंट्री हो गई, अब उसकी आजमाइश शुरू हो गई। इंसान की आजमाइश एक उसके अपने अंदर से है यानी नफ्स, और एक बाहर से है यानी शैतान, दोनों उसको गुमराह करने पर लगे। नफ्स कहता है भाई मेरा पेट भरना चाहिए, हलाल से हो हराम से हो। इंसान की जिंस की ख्वाहिश कहती है कि भाई मेरी जिंसी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, हलाल से आराम से, मुझे नहीं पता है। इंसान की ख्वाहिशात जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, इंसान तो कहता है बस ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। इसी तरह शैतान भी इंसान को गुमराह करना चाहता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमें पता है कि नफ्स क्या वसवसे डालता है, इंसान को किस तरफ लेके जाना चाहता है, ये हमारे इल्म में है। और ये भी कि फिर इंसान उसको रिस्पॉन्स कैसे करता है, ये भी अल्लाह के इल्म में। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान से उसकी जो है वो शहरक से भी ज्यादा करीब है, शहरक से भी ज्यादा करीब। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दो फरिश्ते हैं, एक दाएं तरफ बैठा है एक बाएं तरफ बैठा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीब, इंसान कुछ भी अपने मुंह से नहीं निकालता, वो फरिश्ता लिख लेता है। दाएं तरफ वाला नेकियां लिखता है, बाएं तरफ वाला बुराइयां लिखता है। दाएं तरफ वाला अमीर है, बाएं तरफ वाला उसका मामूर है। इसी तरह से इंसान का अमालनामा रिकॉर्ड हो रहा है। इंसान जो है वो नेकी का इरादा करता है, दाएं तरफ वाला नेकी लिख लेता है, इरादे पे लिख लेता है। और जब इंसान नेकी कर लेता है तो फिर वो नेकी 10 गुना और कभी 700 गुना भी लिखता है, जैसे कुरान ने कहा नेकी का अजर 700 गुना तक पढ़ा दिया जाता है। और इंसान अगर बुराई का इरादा करता है तो बुराई वाला फरिश्ता बुराई लिखता नहीं है, फिर जब इंसान बुराई कर लेता है तब भी नहीं लिखता कि तौबा का दरवाज़ा खुला है, हो सकता है ये तौबा कर ले। फिर जब तौबा का भी टाइम गुजर जाता है फिर वो बुराई लिखता है, और उतनी जितनी उसने की होती है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अल्लाह ताला का फजल है। फिर इस तरह से इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके आमाल नामे का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। वजात सकरतुल मौत, फिर मौत की बेहोशी आ जाती है। गमरातुल मौत, सकरातुल मौत, जब इंसान दुनिया से जाने लगता है तो उसके होश आवाज़ रुखसत होना शुरू हो जाते हैं, दुनिया उसके सामने जो है वो क्या है जाना शुरू हो जाती है, आखिरत उसको नजर आना शुरू हो जाती है, आलम बरज़ख के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं, दुनिया के बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीदा, इंसान ये है वो जिससे तू सारी ज़िंदगी भागता रहा, यानी ये मौत फिर भी तुझे आके रही सारी ज़िंदगी। आप देखें ना इंसान ज़रा सा बीमार हो जाता है, मरना नहीं ना चाहता, इलाज की तरफ क्यों मुतवज्जे हो जाता है, मौत का कितना खौफ होता है। आजकल कोरोना को देखें आप, कितना खौफ है, मतलब 5 लाख लोगों ने, मैं एक खबर पढ़ा था, 5 लाख लोगों ने ये कोरोना, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसके दौरान मदद हासिल की, हेल्प मांगी है सुसाइड के खिलाफ, कि हाँ हमें सुसाइड के ख्यालात आ रहे हैं, हमारी मदद कर। इतना ज़्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ोजल ने जो है वो फिर आखिरत का तज़किरा किया, ठीक है, मौत के बाद फिर बड़ा मरला जो है वो आखिरत का है, जब सूर में फूंका जाएगा फिर इंसान खड़े होंगे और इंसानों को कहा जाएगा भाई ये है वो वादे का दिन। फिर हर इंसान आएगा अल्लाह के सामने, महासायकुम वशय, उसके साथ दो फरिश्ते होंगे, एक उसको आगे हांक रहा होगा और एक ने उसका अमालनामा हाथ में पकड़ा होगा, जैसे किसी मुजरिम को जो है दो पुलिस वाले कोर्ट में पकड़ के लेके जा रहे हो, एक ने उसे हथकड़ी लगा रखी है और इसने उसके वारंट्स जो है वो हाथ में पकड़ रखे हो। तो अल्लाह ताला फिर उससे कहेंगे, जब वो अल्लाह की अदालत में इस तरह से पेश होगा कि दो फरिश्ते उसको पकड़ के लाएंगे, एक ने उसका अमालनामा हाथ में पकड़ा होगा, एक ने उसको बेड़ियां पहना के आगे लगाया होगा, तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे, लकद कुंत फी गफलत मिन हादा, ये आज ये जो यौम हिसाब है ना इससे तू गाफिल था, इसके बारे में कभी तूने दुनिया में नहीं सोचा कि इस तरह से तुझे हमारे सामने पेश होना है। तो
तो आज हमने तेरे सारे पर्दे हटा दिए, आज तो तेरी निगाह बड़ी तेज है, सब कुछ नजर आ रहा है। तो वो क्या कहेगा कि उसके साथ फरिश्ता होगा, या अल्लाह ये हमारी कस्टडी में था, ये इसका अमालनामा और ये रहा आपका बंदा, अब जो आपने इसके साथ करना है कर लें। तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे, अल्लाह ताला कहेंगे कि इसको जहन्नम में डाल दो, क्योंकि ये नाशुकरा था, ये नाशुकरा था, सरकश भी था, मन्ना नेकी के कामों से रोकता था, यानी खुद भी सिर्फ नहीं रोकता था, लोगों को भी रोकता था नेकी के कामों से। छोड़ो यार, मौलवियों के पीछे चलने की क्या जरूरत है, सदका खैरात ऐसी बातें हैं, वो मजहब तो ऐसी अफियून है यार, मौलवियों ने ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है, कोई खुदा वुदा नहीं है, बस एवोल्यूशन हुआ है, इरतिका, मतलब लोगों को भी नेकी की बातों से रोक रहा है, मोतदिन हद से बढ़ने वाला, यानी दीन की मुखालफत में मुरीब, शक में डालने वाला, लोगों के अंदर शकों को शुबहात, आज भी देखिए थी शकों को शुबहात कैसे सोशल मीडिया के जरिए से, वो खबीस अगर अपने तक भी अपना वो मुलहदाना अकीदा रख लेना तो और बात है, यानी यहाँ दुनिया में कितना एग्रेसिव और एक्टिव हो कि लोगों को मुलहिद बनाने पर लगे हैं, खुदा के इनकार पे शकों को शुबहात डाल रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इस खबीस को, इसको डालो जहन्नम में, जो दुनिया में शकों को शुबहात फैलाता था, लोगों को उस कुफर के ऊपर लाने के लिए जो है वो उनके दिलों में डाउट्स पैदा करता था, कुरान के अंदर कीड़े निकालता था, हदीसों पे एतराजात करता था, खुदा के बारे में जो है वो इस तरह से अग्रेसिव होकर गुफ्तगू करता था कि लोग जो है वो उसके मुलहदाना अकीदे पे चले। इसको आज बताओ कि ये इतनी बड़ी रियलिटी थी, ये जहन्नम जिससे तुम्हें डराते थे, जिसका तुम मजाक उड़ाते थे, और जिसका मजाक उड़ा उड़ा के तुमने एक कौम को जो है वो अपने पीछे गुमराह करके लगा दिया, आज उनको भी जहन्नुम में डालो कि जो बेवकूफ़ और स्टूपिड होके इसके पीछे लग पड़े थे बगैर सोचे समझे। फाल किया और फिल अदाब शदीद, इसको तो शदीद तरीन अदाब में डालो। तो अब अल्लाह ताला कहेंगे इसके इसके इनके जो साथ जिन्नात थे, शयातीन थे इनके, उनको भी डालो। तो अब उनके शयातीन क्या कहेंगे, या अल्लाह हमने इनको नहीं गुमराह किया, ये तो खुद गुमराही में थे। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि इससे कोई कंसर्न नहीं कि शैतान ने इंसान को गुमराह किया या इंसान ने शैतान को गुमराह किया, अब मेरे पास झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो दुनिया में तुम्हारे पास अपनी वईद भेज चुका था, मैं तो ये सारे मुकालमे जो क़यामत के दिन होने वाले थे अपने कुरान में नकल कर चुका था, तो तुम्हें कोई समझ ही नहीं थी, कोई समझ ही नहीं थी, इससे ज़्यादा और मैं क्या तुम्हें डराता कि तुम्हारा फ्यूचर जो है वो मैंने तुम्हारे लिए हाल बना दिया था। तो फिर अल्लाह ताला उस दिन जहन्नम से कहेंगे कि क्या तू भर गई, तो वो कहेगी अल्लाह कुछ और भी है, कुछ और भी है। और फिर अल्लाह ताला ने जब जहन्नम का तस्करा किया, फिर जन्नत का भी तस्करा किया, ताकि जो लोग मेहनत करते हैं उनकी जरा दिलजोई भी हो। तो अल्लाह ताला कहें कि जन्नत को मुत्तकीन के करीब कर दिया जाएगा, यानी जन्नती जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत उसके करीब आ जाएगी उसके एजाज में। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जन्नत किसको मिलेगी, लिकुल्ल अवाबिन हफीज, जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है और अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करने वाला है, जो अल्लाह को बिन देखे, बिन अल्लाह को नहीं देखा, डरता है अल्लाह से फिर भी कि अल्लाह है, डरता है, यही तो वो बात है जिसके ऊपर उसको अजर व सवाब मिलने वाला है, और जो अल्लाह के पास एक दिल लेके आए जो कि रुजू करने वाला दिल है, उसको अल्लाह ताला कहेंगे उदखुलुहा बिसलाम, सलामती के साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, अब हमेशा हमेशा जन्नत में रहो, और जो वो चाहेंगे जन्नत में उनको मिलेगा, बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कुछ मजीद भी देंगे, मजीद वो जिसका इंसान को वहम गुमान भी नहीं। फिर अगली जो सूरत है सूरह ज़ारियात, उसमें फिर अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों की सिफात बयान फरमाई है, वो मुत्तकी जो जन्नत में जाएंगे, कहा कि मुत्तकी पहली बात तो ये है कि जन्नत में जाएंगे, जन्नतों में चश्मों में अय्याशी कर रहे होंगे, जो नेमतें भरपूर उनको उनके रब की तरफ से मिल रही होंगी, तो ये जन्नत में क्यों जाएंगे, अल्लाह ताला ने इनकी एक सिफत बयान फरमाई, ये वो सिफत है कि जो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी उस सिफत पे अमल कर रहे हैं, हम भी उन लोगों में से हैं जिनकी कुरान ने यहाँ अगली आयात में तारीफ किया और उनको मुत्तकी कहा है और उनको जन्नती कहा है, कहा कि ये मुत्तकी जो है ये जन्नतों में होंगे, चश्मों में होंगे, और जो नेमतें इनको रब की तरफ से मिल रही होंगी ये खूब उनकी उनसे अय्याशी कर रहे होंगे, क्योंकि ये वो लोग थे कानू कलीलम मिन अल्लैल मा यहजऊन, जो रातों को कम सोया करते थे, रातें जागते थे अल्लाह के लिए, रात जागते थे, आजकल मतलब बच्चे मूवीज देखने के लिए तो जागते हैं, पेपर्स की तैयारी के लिए तो जागते हैं, लेकिन ये है कि रात को कम सोते थे, ज्यादा रात का हिस्सा जाग के गुजारते थे, ये वो लोग हैं। वबिल असहारी हम यस्तग़फिरून, और दूसरा सहरी के वक़्त में इस्तग़फ़ार करते थे,
बहुत ज़रूरी है सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करना। लेकिन जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे दे, दो चार रकत नमाज पढ़ ले सहरी के वक्त, चाहे तरावी पढ़ ली है फिर भी पढ़ ले, लेकिन यह है कि और नहीं तो चलें दुआ कर ले। दुआ नहीं कर सकता तो कम अज़ कम ये कर ले, इस्तग़फ़ार तो कर ले। बल्कि हमारे एक उस्ताद तो ये कहते थे, और वो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बात है, वो कहते चलें आम दिनों में, आज तो वैसे रमज़ान में वैसे तो माहौल बना होता है, इंसान रात को जाग लेता है, खास तौर पे ताक रातों में इहतमाम कर लेता है, लेकिन आम तौर पे बकिया जो 11 महीने हैं उसमें अल्लाह ताला किसी किसी को तौफीक देते हैं तहज्जुद के लिए उठने की। तो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि भाई रात को कई मरतबा ऐसा होता है कि हमारी आँख खुल जाती है, हम पानी पीने के लिए उठते हैं, हम वाशरूम जाने के लिए उठते हैं, अमूमन ऐसा होता है ना सबके साथ। तो ये जो वक़्त आपको हासिल होता है रात को, रात के आखिरी हिस्से में, कि जब आपकी आँख खुल जाती है किसी भी बहाने से, या वैसे ही आँख खुल जाती है आप बिस्तर पे लेटे लेटे, आप कुछ इस्तिग़फ़ार कर लें, अपने साथ एक छोटी सी तस्बीह रखें, बस उसको फेरते फेरते सो जाएं, तो इंशाल्लाह से आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं। अल्लाह ताला को तो बहाना चाहिए कि मैं अपने बंदे को इसको उनमें शुमार करूँ, तो कितना आसान है। बस अगर हिम्मत नहीं भी है उठ के वुजू करके 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने की मुसल्ला बिछा के, तो जब भी आँख खुले बिस्तर पे सोते सोते तस्बीह लेके जो है वो उसको थोड़ा सा फरोल लें, अस्तग़फिरुल्लाह 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, है अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, कुछ भी इस्तिग़फ़ार के कलिमात पढ़ते पढ़ते सो जाएं। इंशाअल्लाह से आप भी उन लोगों में से हैं जो सहरी के औक़ात में इस्तिग़फ़ार करते हैं। और तीसरी सिफत अल्लाह ने क्या बयान फरमाई कि वो अल्लाह के रस्ते में खर्च करते हैं, खर्च करते हैं, और वो खर्च इसलिए नहीं करते कि जी हम कोई कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि वो उसको गरीबों का हक समझ के, हक़ुल लिसाइली वल महरूम, ये समझते हैं कि ये गरीब का हक है, ये सवाल करने वाला का हक है, ये महरूम का हक है जो मैंने उसे देना है, इस तरह से वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। तो ये लोग मुत्तकी हैं और ये लोग जन्नती हैं। ठीक है, यानी तीन सिफात हो गई। रात का अक्सर हिस्सा जो है वो अल्लाह की इबादत में, अल्लाह को याद करने में, किसी तरह से भी गुजारना, सहरी के वक़्त में इस्तिग़फ़ार करना, और इस तरह से जो है वो अल्लाह के रास्ते में इन्फाक खर्च करना, उसको गरीब का हक समझ कर। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमारी इबादतें हैं टूटी फूटी, ये रमज़ान की ताक रातों की जो इबादत है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला ये हमारे जो रोज़े हैं अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र की जो रात है वो हमें नसीब फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लम की एक हदीस भी है, वैसे तो हम ये नहीं कह सकते कि लैलतुल क़द्र की रात 27 की रात को होती है, लैलतुल क़द्र की रात जो है वो आखिरी अशरे में ताक रातों में आगे पीछे होती रहती है, लेकिन एक हदीस है मुसनद अहमद की कि जिसको अहले इल्म ने सही करार दिया है, कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल मुझसे तो ज़्यादा रातें नहीं जागा जाता, हाँ मुझे कोई एक रात बता देना तो उसका मैं इहतमाम कर लेता हूँ। ये मुसनद अहमद की रवायत है और सही रवायत है। तो अल्लाह के रसूल ने उस बूढ़े को कहा था कि 27वीं रात का इहतमाम कर ले। ठीक है, तो आज भी अल्लाह का अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का फजल है कि 27वीं रात है, तो 27वीं रात में ज़रा ज़्यादा एहतमाम कर लेते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि बुज़ुर्ग हैं या जिनके लिए आम ताक रातों में जागना मुश्किल है। तो इस हदीस से भी हम जो है वो कुछ इस्तदलाल कर सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ सच्चा ताल्लुक़ नसीब फरमाए, और मरने के बाद अल्लाह ताला जन्नत में हमें इसी तरह से जमा करे जैसे दुनिया में हम जो है वो अल्लाह के कुरान के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और अल्लाह अज़्ज़वजल जो है वो सहाबा किराम के साथ, अम्बिया के साथ, रसूल सल्लम के साथ जो है वो हमें मजलस नसीब फरमाए। सदक अल्लाह अज़ीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।